हेलो गाइस, यू आर वेरी वो वेलकम टू आवर चैनल बी अ स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ विंसू का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। प्लीज़ गाइस, आपको जो भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में ना पूछ कर यूट्यूब के आप इंस्टाग्राम में जाएं और वहाँ पर मुझे DM करें, मैं आपको वहाँ सारे रिप्लाई दूँगी। डिस्क्रिप्शन में आपके इंस्टाग्राम का लिंक है। प्लीज़ याद से आपको जो भी पूछना है आपने आज के बाद से इंस्टाग्राम पर पूछना है, यूट्यूब पर नहीं पूछना, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक किसी भी चीज़ पे गाइस आ सकता है। मुझे नहीं पता इनका कब 1 महीने 2 महीने 1 साल बाद उनका दिल करे वो कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दे। तो आपको जो भी पूछना है ना आप इंस्टाग्राम पे पूछें, आप वहाँ पर मोस्ट वेलकम हैं। चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। वन कशिंग और जोज इशू, ये भाई जो है वो जो है आपने देखा ही था सदर्न पोर्शन में पहुँचते हैं, जो कि उनकी 5 लेक अलायंस की टेरिटरी होती है। वो अपने साथ ना जाने कितना सामान, खाने पीने का और सारी चीज़ें लेके आते हैं। और उनमें से कुछ पीपल मैंने बताया था इमरजेंसी के टाइम पे जो है की स्टेट चले गए थे, वो सारे के सारे 5 अलायंस में पहुँचते हैं और वो वहाँ पर हेल्प करते हैं लोगों की और उन्हें खाना देते हैं खाने के लिए। वो वहाँ पर वाटर, शेल्टर, हर चीज़ प्रोवाइड करने की जितना हो सके वो कोशिश करते हैं, क्योंकि जो लोग बाढ़ पीड़ित थे उन्हें वो चाहते थे कि वो अच्छे से उन लोगों का ख्याल रखें और उन्हें हर किस्म की एड, हर किस्म की सहूलियतें पहुँचाने की जो वो कोशिश कर सकते थे वो करते हैं। पीपल को एक तरह से रिलीफ मिलता है अपने लीडर को देख के, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई लीडर उनका हालचाल पता करने आया था इतनी मुसीबत की स्थिति में। एक अच्छा लीडर वही है जो मुसीबत के टाइम में अपने लोगों का ध्यान रखे और अपने लोगों का पता करने आए, तो इससे ऊपर क्या हो सकता था। पीपल जो है एक तरह से राहत फील करते हैं कि उनका लीडर इतनी मुसीबत की घड़ी में वहाँ पहुँचा है और पूरी प्रोटेक्शन लेके पहुँचा है। आम तौर पे जो लीडर होते हैं वो बैठ के तमाशा देखते हैं और बस दूसरे लोगों को ऑर्डर करते हैं, वो भी तब जब उन्हें किसी चीज़ में कोई फ़ायदा दिखता है या उन्हें लगता है कि हाँ इतनी एड पहुँचानी वाकई ठीक होगी। वो सारे के सारे वहाँ कैंप फायर लगाते हैं, लोग एक साथ गैदर होते हैं, उनका लीडर आता है, उन्हें सांत्वना देता है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आया होता है, जितनी ज़रूरत की चीज़ें वो जुटा सकता था। और वो उन्हें कहता है कि बहुत जल्द यहाँ पर और भी सारे ग्रुप्स आएंगे और आपको हर तरीके की सहूलियत, एड यहाँ पर ज़रूर मिलेगी, तो प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, हम 5 अलायंस के लोग आपके साथ हैं। वो एक फ्री स्पिरिट के साथ उन लोगों से इन्वॉल्व होता है, उस एनवायरनमेंट को जो कि एक टाइम पे लोगों का दर्दनाक बन चुका था वो उन्हें रियायत देता है और उन्हें आश्वासन देता है कि उन्हें कर नहीं देना होगा आगे चल के। जो भी उनका नुकसान हुआ है कोई नहीं, ये सारे मिलके उस नुकसान को डील करेंगे। वो उनके साथ फ्यूचर की भी प्लानिंग करता है, बांध बनाने के बारे में भी सोचता है नदी पे। वो उन्हें 2 दिन का जो है टाइम मांगता है ताकि वहाँ पर सारे आ सकें और उनकी हेल्प कर सकें और वो अपनी लाइवलीहुड में भी वापस जा सकें। उसने बहुत सारे ग्रुप से, ये तो अभी 4 सीजन मैनर ही आया था 5 लेक लाइन्स का, लेकिन नन्हे सेक्ट और न जाने कितने सेक्ट थे लॉर्ड ऑफ 7 सेक्ट जो कि अभी आकर एड देने उन लोगों की बाकी थी। तभी वहाँ पे एक बहुत यंग बॉय होता है जो कि इम्प्रेस हो जाता है अपने लीडर जोज इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो जोज इशू को नॉन स्टॉप देखता रहता है। वन कशिंग से वो इम्प्रेस होता है और अपने लीडर वन कशिंग को नॉन स्टॉप देखता रहता है। जोज इशू ये बात नोटिस कर लेता है कि वन कशिंग तो बिजी है अपने डिस्कशन में, लेकिन ये यंग बॉय, ये तो वन कशिंग को कभी वाइन ऑफर कर रहा है, कभी उसे देख रहा है और ये बच्चा उसे नॉन स्टॉप स्टेयर कर रहा है। वन कशिंग जो है वो ये भाई से सेक्ट के बारे में डिस्कस करने में बिजी था। जोज इशू को तो गुस्सा ही आ जाता है, ये यंग बॉय जो है उसके हस्बैंड से फ्लर्ट कैसे कर सकता है, वो अपने हस्बैंड को किसी और लड़की या लड़के के साथ नहीं देख सकता था और ये कैसे उसे वाइन भी सर्व कर रहा है और वन कशिंग कुछ नोटिस ही नहीं कर रहा। जोज इशू साइड हक देता है वन कशिंग को और ग्रैब कर लेता है अपने हस्बैंड के अटेंशन अपनी तरफ, और वन कशिंग कहता है माय वाइफ ही, क्या हो गया तुम्हें, कुछ चाहिए क्या, हाँ तुम जाओ अपने टेंट में धवू के साथ। जोज इशू जो है उसे डांट देता है, तो तुम जो है वहाँ यहाँ पर अकेले इंजॉय करना चाहते हो, ठीक है फन करो यहाँ, तुम एक चीटर हो, तुम जो है ना मेरे साथ टाइम नहीं बिताना चाहते क्योंकि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, इसलिए तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पास रुकूँ, ठीक है भूलना मत तुम,
वो दवू को कहता है कि दवू उसे टेंट में वापस ले जाए। वनकशिंग जो है हंसता है ज़ोजिशु के बच्चों वाले बिहेवियर पे और ख़ुद को फैन कर मतलब हवा करने लगता है वो जो उसके हाथ में पंखा होता है उससे। और वो कहता है, अशु मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम जेलस क्यों होते हो लोगों से? देखो ना, लोग तुम्हारे हस्बैंड की ब्यूटी को सिर्फ एडमायर करते हैं, तुम्हें नहीं लगता मैं एक हैंडसम हूँ एज अ लीडर? ज़ोजिशु कहता है, नहीं तुम बहुत भद्दे हो और अंधे हो। हाँ, वनकशिंग हंसता है और कहता है, अशु मैं सच में अगली हूँ। आई लव यू माई जेलस बीवी, प्लीज़ ये जो है ना मतलब जलना बंद करो। मैंने वैसे भी तुम्हारे साथ कसम खाई है जीने और मरने की, तो अब मैं तुम्हारा हूँ तो मुझे अब कोई नहीं चाहिए। तो ज़ोजिशु कहता है, तो दूसरों की तरफ देखना बंद करो, तुम मेरे हो। वनकशिंग जो है उसका मुँह खुला रह जाता है और वो कहता है, मैंने कब दूसरों की तरफ देखा, मेरे पास तो तुम हो और मैं तो सिर्फ ये भाई से बातें कर रहा था। ज़ोजिशु कहते हैं, बट ये जो यंग लड़का है ना, ये तब से तुम्हें घूर रहा है और इसने तुम्हें वाइन भी ऑफर की और तुमने एक्सेप्ट कर ली, वो भी बेशर्मी के साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके दी हुई वाइन को पीने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो भी मेरे सामने पीने की? वनकशिंग कहता है, तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो आशु, हम मियाँ बीवी हैं, प्लीज़ जेलस होना बंद करो माई डियर वाइफी, तुम मेरे ब्यूटीफुल प्रेग्नेंट हस्बैंड हो माई वाइफी। तभी ज़ोजिशु कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ, मेरा बेबी भी तुम्हें चाहता है, वो अपने पर्वर्ट फादर को आज के दिन अपने साथ चाहता है, तुम्हारे पास हमारे लिए तो कोई टाइम ही नहीं होता। और मैं अपनी बेबी को कह दूंगा कि उसकी मम्मी ही थी जो उसके लिए हर टाइम रहा करती थी, तुम तो उसके पास आते भी नहीं थे। वनकशिंग टीज करते हुए कहता है, मम्मी ओ माई डियर वाइफी, मैं तुम्हारा हूँ, तुम ना सच में मेरी वाइफी हो, तुम एकदम पॉजिटिव हस्बैंड और वाइफ की तरह बिहेव करते हो। आशु तुम प्रेग्नेंट हो, तुम तो बच्चे बनते जा रहे हो, बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हो। ज़ोजिशु उसे घूर के देखता है और अपने पेट पे हाथ मलते हुए कहता है, आ लाओन मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरी बैली में, मैं अपने टेंट में वापस जा रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प। वनकशिंग उसकी तरफ दौड़ा जाता है और ज़ोजिशु को अपनी बाहों में ले लेता है और वह टेंट की तरफ जाने लगता है। वो ज़ोजिशु को टेंट के बेड पे बैठाता है, मतलब फोल्डिंग्स जो होती हैं उस पर बैठाता है, और वो ये भाई को बुलाने जाता है, लेकिन तभी ज़ोजिशु उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ज़ोजिशु वनकशिंग के सॉफ्ट चीक्स को हाथ में लेता है और उसे किस करता है। वनकशिंग कहता है टेंशन में, क्योंकि उसे अपने बच्चे की टेंशन होती है, और वो एकदम से कहता है, आशु क्या तुम ठीक हो और आवर बेबी? ज़ोजिशु नॉटी में वे में रिप्लाई करता है, मैं तो ठीक हूँ और बेबी भी, मैं बस चाहता था तुम मेरे और बेबी के साथ एज अ फादर टाइम स्पेंड करो, लेकिन तुम तो पागलों की तरह बिहेव करते हो। आई एम सॉरी मैंने झूठ कहा, क्योंकि हमारे हेड लीडर को ना सारे सेक्ट के चिंता है, लेकिन अपनी बीवी के नहीं, उसे बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद है और अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं, तो तुम मुझे निगलेक्ट नहीं कर सकते थे, और मेरी बेबी और मुझे आज तुम्हारी ज़रूरत है। तो उस इशू से एग्रेसिवली किस करता है, वनकशिंग भी उसे किस करता है। तो उस इशू की जॉ को वो किस करने लगता है और हंग्रीली पैशनेटली वो कहता है, वाइफी क्या आज मैं तुम्हें खा जाऊँ? हाँ, मम्मी चाहती है कि डैडी आज उसके साथ रात बिताएं, डैडी मम्मी की सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। मम्मी तुम मुझे चाहती हो ना, डैडी भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुम देखना चाहते हो आज मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? तो आज रात मैं अपनी वाइफी को शो करूँगा और मैं उसे अपनी फीलिंग इतनी गहराई से शो करूँगा कि कल वो चल भी नहीं पाएगी। वनकशिंग जो है ज़ोजिशु को बेड पर धक्का मारता है और जो है उनके बीच, इसके बाद उन दोनों के बीच अपनी डेली नाइट एक्टिविटी शुरू हो जाती है और वो बहुत देर तक आधी रात तक एक दूसरे को प्यार करने से नहीं घर बाज आते और ना जाने कितने सारे साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं, मुआयन होता है, शाउटिंग होती है और ना जाने कितनी एडल्ट टॉक्स होती है जो वो एक दूसरे के साथ करते हैं, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकती, बट अगर आप चाहते हैं तो आप जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं।
हाउस इशू और लगभग उन दोनों का रोमांस ना जाने कितनी देर तक चलता है। इस पे पूरे 2 चैप्टर हैं गाइस, बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि हैं एट द एंड वो लोग एक दूसरे की बाहों में जो हैं इक्विल्ट के अंदर सो जाते हैं और फिर शुरू होता है एक ज़ोरदार आवाज़ आना जहाँ पर पीपल ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं पैनिक में, आग लग गई आग लग गई। वन कशिंग उठता है और वो लोगों की चिल्लाती हुई आवाज़ सुनता है। तो उस इशू बहुत थका होता है और उसे एक्सट्रीम पेन हो रहा होता है उसकी बॉडी में। लास्ट नाइट एक्टिविटी के बाद वन कशिंग जो है वो उठता है और ख़ुद को ड्रेसअप करता है और वो ज़ोस इशू की नेक्ड बॉडी को भी एक रजाई के अंदर टक इन करता है। वन कशिंग देखता है कि उसका हस्बैंड बहुत थका हुआ है और पीसफुली एक बच्चे की तरह सो रहा है। वन कशिंग किस करता है उसके जो है फोरहेड पे। वो बाहर की तरफ जाता है, वहाँ पर फिर भी रात का समय ही था, आधी आधी रात थी। वो देखता है टेंट जो है बाहर के उनमें आग लग चुकी है, पीपल जो है पानी डाल रहे हैं और टेंट जो है उन्होंने आग की लपटें पकड़ ली थी। वन कशिंग जो है भागकर जाता है और देखता है बहुत सारे टेंट वहाँ पर जल चुके हैं। वो ज़ोस इशू जो कि थका हुआ था उसे इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं समझता और ज़ोस इशू जो है वहाँ पर टेंट में सो रहा होता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होता है, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा लास्ट नाइट एक्टिविटी के बाद अगर उसे भी उठाकर ये सब बताया गया। ये भाई दवो भी हेल्प करते हैं पानी डालने में और जिन्होंने सफ़र किया था उनके बर्न पैचेस जो स्किन पे थे, तभी ये भाई जो है वन कशिंग की तरफ देखते हैं और उसकी नेक पे वो लव बाइट देखते हैं और कहते हैं शेमलेस तुम बिजी थे ना मेकआउट करने में अपने हस्बैंड ज़ोस इशू के साथ, देखो क्या वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी, तुम लोग कितने शेमलेस हो, तुम्हारा हस्बैंड प्रेग्नेंट है तुम खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हें शर्म नहीं आती। ये भाई डांट रहे होते हैं वन कशिंग को। वन कशिंग कहता है ये मेरी गलती नहीं, आपका जो ये ग्रेट ग्रैंड डिसिपल है ना वो चाहता था ताकि मैं उसके साथ रूम में जाऊँ और वो मुझे प्यार करता है, अशु को और मेरे बच्चे को मेरी नीड थी। और बाय द वे किसने मुझे वहाँ पर भेजा था, हाँ वो था जिसने मुझे लर किया था कल रात की एक्टिविटी के लिए, और तुम मुझे क्यों डांटते रहते हो, क्या तुम्हें नहीं देखता तुम्हारा ग्रैंड डिसिप्लिन कितना मूडी हो चुका है अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में। तब ये भाई कहते हैं क्योंकि तुम शेमलेस पर्सन थे, तुम उसके पीछे भागा करते थे और तुमने उसे ऐसा बना दिया अपनी तरह बिल्कुल फॉरवर्ड, और अगर तुम कुछ भी कहो कि उसने तुम्हें कुछ भी कहा हो लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो इस वक्त प्रेग्नेंट है। वन कशिंग कहता है हाँ मैं उसके पीछे भागता था, ये ठीक है, मैं उससे शेयर करना चाहता था अपनी लाइफ, ठीक है, और मैं चाहता था वो मेरे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताए, हम दोनों ने एक दूसरे से शादी की, हम दोनों खुशी से रह रहे हैं, तो तुम हर बार मुझे ही क्यों ब्लेम करते हो, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मेरा हर्ट जो है वो हमारे पहले ही एनकाउंटर में वो चुरा चुका था। तो वो कहता है चुप रहो प्लीज़, तुम दोनों जो है लड़ना बंद करो और हेल्प करो उन लोगों की, वो जो हैं एक दूसरे के टेंट में मूव होते हैं और सबको बचाते हैं, ऑलमोस्ट सारे लोग बच ही चुके थे, बची कुछ ये जगह पर वो पानी फेंक फेंक के आग को बुझाते हैं। और तभी वो बॉय जो कि वन कशिंग पे लाइन मार रहा होता है उसे भी थोड़े से स्किन पे बर्न के पैचेस आते हैं। वन कशिंग उसे हेल्प करता है शिफ्ट होने में, उसे एड करता है, पट्टी वट्टी लगाता है उसके बर्न वर्न पे जो है जख्म पे, दवाई वगैरह लगाता है। और वन कशिंग उससे पूछता है कि ये टेंट ने एकदम से फायर कैसे पकड़ी, मुझे यहाँ पर केरोसिन ऑयल की खुशबू आ रही है, क्या किसी ने यहाँ पर जानबूझ के ये सब किया है, क्या तुम लोग अवेयर नहीं थे, और क्या ये सब जो भी किया है किसी एक इंसान ने पर्पसली किया है। तभी उस भीड़ में से एक बंदा बोलता है हेड लीडर मैंने देखा कि कोई जो था वो वुड्स की तरफ भाग रहा था, मुझे लगा शायद वो फॉरेस्ट में कोई एनिमल है, लेकिन शायद हो सकता है वो रियल कल्पिट हो, मे बी वो किसी के साथ मिलकर किसी हेल्पर के साथ मिलकर ये सब करना चाहता हो। वन कशिंग जोर से बोलता है कहाँ देखा तुमने उसे जाते हुए, रुको मैं आसपास का सराउंडिंग चेक करके आता हूँ, मुझे कुछ लोग चाहिए जो मुझे मॉनिटर कर सकें, लेकिन ओल्ड वुमेन और चिल्ड्रन जो हैं यहाँ रुकेंगे, हम सारे जितने भी लोग हैं वो मिलकर वहाँ पर डीप फॉरेस्ट में जाएंगे और देखते हैं कि किसने जो है
वहाँ पर आग लगाई है और यहाँ पर लोगों को मारने की कोशिश की है, और हम सारे मिलके वहाँ पर चेक करेंगे। तभी वो सारे के सारे जो हैं बच्चे बूढ़े और औरतों को छोड़कर चले जाते हैं। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और विंजू फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।